किरण जी, ये आपसे अक्सर पूछा गया होगा या नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि कौन न्यूज मेकर से न्यूज पूछता है, सवाल पूछता है। आपने कभी छोटी सी पिद्दी सी न्यूज को बहुत बड़ा बना के दुनिया के सामने पेश किया है क्या? यार दुनिया तो सामने बैठी है, क्या सच्चाई बोलती चाहिए? प्लीज प्लीज बता दो। रावण का वाहन ऐसे टाइप का कोई नहीं, मतलब जैसे कभी, मतलब मैं डिटेल में बता दूं कैसा सवाल डायरेक्ट पूछ नहीं पा रही, पहला टीवी शो ना, नर्वस होते लोग। कभी हुआ हो के मुंबई में बारिश हो गई है और पानी सिर्फ आया यहाँ तक, अब बीएमसी को ब्लेम भी लगाना है तो क्या करें, नौकरी भी बचानी है, तो कभी ऐसे घुटनों पे बैठ के बोला गले तक पानी आ गया जगेश। अभी आपने ऐसा किया हो? बोला तो है, क्योंकि क्या एटलीस्ट इस बार आने तो टीवी पर आई, लेकिन यार सवाल तो फिर से वही है कि ये जनाब है कौन? वेरी डन, वेल डन, वेरी गुड। यार मैं तो चलो गलत न्यूज देकर ही, गलत रिपोर्टिंग करके टीवी पे आ गई, दैनिक भास्कर की बड़ी रिपोर्टर बन गई, लेकिन ये जनाब है कौन? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आज इस दान पेटी में जो भी कलेक्ट होगा ना, वो तुम घर लेके जाओगी बहन। थैंक यू कलर्स। बता बलराज, घुटनों तक पानी भी दिख जाता है, तू नहीं दिखता यार। ये इतना बड़ा स्ट्रगलर है, इसके कमरे में उदय चोपड़ा के पोस्टर है। ये रघु की लाइफ का सबसे अच्छा पंच था, जोरदार तालियां। ये इतना बड़ा स्ट्रगलर है, मैंने इसको पूछा अगर तू एक्टर नहीं होता तो क्या होता, कहता स्ट्रगलिंग एक्टर। यार रघु, लेकिन एक चीज देखा है, जब से मैं कह रही कौन है कौन है, बार बार कैमरा के सामने बता रहा मैं हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा, पहचान गई भाई तुझे, मीडिया वाले इंटरव्यू ले लेंगे तुम्हारे भी, स्ट्रगलरों का काम है ये। हाँ तो ठीक है यार, राखी सावंत मीडिया की बेटी, मैं मीडिया का बेटा नहीं हो सकता, मेरी भी फोटो लगाओ। आगे बढ़े, प्लीज प्लीज पढ़ो आगे। दान पेटी से मुझे याद आया कि अगर पैसे, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पैसे दिए हैं कि ये मेरे लिए न्यूज छाप दो या ये न्यूज चलनी चाहिए? हुआ ही होगा, नहीं तो मुबीन सुधाकर की फोटो कौन छापता फ्रंट पेज पे? यार मनीष का एक बात, ऑब्वियसली पैसे लिए ही होंगे। एक बार ना अननोन नंबर देखा, उठा लिया फोन, उठा ले तो बताओ किसका फोन था? केआरके? नहीं, रघु जी का है? कह रहे यार सिर्फ गलत गलत खबरें छाप रहे हो, अच्छी छाप लो। मैंने कहा 2000 तुम मत दो, तू 2000 मुझसे ले लो, लेकिन फिर कभी मीडिया वाले को फोन मत करना अपनी न्यूज छापने के लिए। नहीं छापने लगता है? एक मिनट रुक जाओ। नहीं 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 रघु, रघु मीडिया वाले हैं यार, रघु नहीं, मैं आप देखिए यार रेडियो में बोलते हैं, ये तुम्हारा डिनर का बजट है, ये चुप रहो तुम पागल। मेरे को ये पूछना, देखो अब तो बात हो ही गई है कि सबको पता है कि पैसे लेकर खबर छापते हैं आप, ये रेट कार्ड बता दीजिए कि कितना मिनिमम देना पड़ता है, अपनी बढ़ाई करने का कितना और दूसरे की बुराई करने का कितना? तू तो अगर अपनी पूरी सैलरी भी दे देना तब भी नहीं। ये जगह मनुष्य है, मनीष का तो चलो फिल्म कर रही है विद्या बालन के साथ, आगे मनीष का कर लो, तेरा ना कर। एक मिनट, जोरदार तालियां, क्या बात है मलिश्का, ज़रा हसमत। फिर तुम पे प्यार है। अब ये साबित हो गया पैसे लेके खबरें छापी जाती हैं, क्योंकि इसका फिल्म में रोल ही 1.5 मिनट का है, इससे लंबी तो फिल्म में उसका रोल है, मेरा नाम मुकेश है। सुपर। टिकट खरीद लेकर देख कर आना, स्टोरी 3 देखने जाएंगे टिकट खरीद के। चल बहन इनसे नहीं बातें करते, इनको कलर्स वाले कोई पैसे नहीं देते, हम अपने पैसों की बातें कर रहे थे। जिससे मुझे याद आया, रिपोर्टिंग में सबसे मुश्किल काम क्या होता है, मतलब जर्नलिज्म में हर तरह की खबरें छापनी पड़ती है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का फोन आया, पट्टी बहुत बात करती, काट इसको या फिर काट डालूंगा ऐसे? मलिश्का तुझे तो आया है 500 करोड़ का दावा छापा है, मतलब इसके ऊपर, इस लड़की के ऊपर धोखा था। बहन उसमें से आधे से कम भी होते तो फिर धमकी कोई मेरे को देता ही क्यों ना, मैं उसको। यार ऐसे तुम जैसे लोगों तो हमें धमकी देने वाले तो आते ही नहीं है यार, सब धमकी तो तुम्हारे पास चले जाती है, बीएमसी तुम्हारे पास चले जाते हैं, एक्ट्रेस तुम्हारे पास आ जाती, फिल्में भी इन्हें मिल जाती है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचती है। आज मुझे यहाँ से जलन की भूख क्यों आ रही है? एंटरटेनमेंट की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मरीष्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। मैंने इसको स्टार्ट में ही सेट कर दिया था। मतलब आपको कभी धमकी नहीं मिली आज तक? कभी नहीं।
कभी नहीं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आज रात को मुझे धमकी मलिश का मिल सकती है। क्यों, ये कौन है? इतनी बहुत बेइज्जती की है ना इसकी। सोच ले। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपना, मैं कह रहा हूँ अपना इमेज सुधार रहा हूँ यार, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, 2000 रुपए मेरे चले गए। ऐसा मीडिया को कौन धमकी दे सकता है ना, ये तो ये हमें स्टार बनाते हैं, इनको कौन डराएगा फोन करके? डराते तो ये लोग हैं, मिल गया वो कैलेंडर, इसमें लिखा है 12 तारीख को दुनिया तबाह होगी। यार इससे सोच लो ये कितना मीडिया को फॉलो करता है, करना पड़ता है, न्यूज़ चैनल खुद ही देखता है, सब तो पता है कि मीडिया में क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा है, बस तेरे बारे में नहीं छप रहा है। बेचारा हर दिन पेपर खोलता है अपनी खबर देखने के लिए, शायद नाम आ गया लेकिन एक खबर में नहीं आती है। कौन से गाँव के तुम? आज तेरी क्लास ले रही मेरी सेलिब्रिटी, बता तेरे को जिस काम के पैसे मिले मैंने वो करके जाना। मिल गया वो कैलेंडर जिसमें लिखा है 12 तारीख को दुनिया तबाह हो जाएगी, सारी फैमिली एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर भगवान को याद कर रहे, 12 तारीख आ गई, ये लोग दफ्तर में पार्टी कर रहे होते हैं, भाई अच्छी रेटिंग आ गई। अच्छा ऐसा कुछ हुआ है बहन कि तुमने जाकर मम्मी को कहा, मम्मी आज जो मैंने धांसू चीज किया है ना शो पर, वो आज शाम को .7 बजे देख लेना या 9 बजे देख लेना, और फिर हो गया टाइम टाइम फिश, क्योंकि ऑफ कोर्स चैनल वालों ने, एडिटर्स ने आपका जो हिस्सा था वो काट दिया। हर बार हुआ पलिश का, क्या बोल रही है, हर बार फिर क्या हर स्टोरी की, हर बार मम्मी से कहा आज देखना, हर बार काट दी, अब तो उम्मीद ही टूट गई है, स्टोरी करते हैं मम्मी को कुछ बोलते नहीं है। मैं भी मम्मी नहीं देखना, पता नहीं फिर छापे ना छापे। तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मलिश का? तुम्हारी सुल्लू आ रही, तुम्हारी सुल्लू आ रही। तुम्हारी सुल्लू आके निकल भी गई मलिश का, पता नहीं चला। आजकल मैं एंटरटेनमेंट की रात के बारे में भी यही कह, नहीं कटेगा, जोरदार तालियां। एंटरटेनमेंट की रात जो हर सैटरडे और संडे आपको दिखाई देगा कलर्स टीवी पर, कितने बजे बलराज? 10 बजे रात को, बिल्कुल सलमान भाई के बाद, तो उनको देखते देखते इधर आ जाना। All right, जाने से पहले एक आखिरी प्रश्न आपसे। नहीं नहीं, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, देखिए जैसे टेलीविजन चैनल पे हम इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमारा एक टारगेट ऑडियंस होता है कि यू नो रात के 10 बजे है तो फैमिली होगी, खाना खा रहे होंगे साथ में, ऐसे हम लोग प्रोग्राम भी वैसे ही बनाते हैं। आपके न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 80% लोग टॉयलेट में बैठे होते हैं, तो उनके उनको सोच के कुछ खबरें बनाते हैं आप? 2000 डाल पहले। नहीं मैं पूछ रहा, इसमें क्या है, ये तो बिजनेस की बात है यार, ये स्ट्रेटेजी की बात है। गुस्सा में तो इमेज बदल रहा है ना। हाँ, तो आपकी खबरें वैसे सोच के आप छापते कि ये खबर पढ़ के अच्छी से आएगी, ये खबर पढ़ के थोड़ी सेहत अच्छी रहेगी, ऐसे करते हैं आप? मतलब क्या होता है, देखो हमारा शो फॉर एग्जाम्पल फैमिली शो है, हमको पता है चाचा नाना ताऊ डिनर करते करते देख रहे होंगे, मजा आएगा, हल्का फुल्का यू नो ये कुछ बकेगा, अपना मुबीन हंसा देगा, अपनी नेगी हंसेगी। मुबीन हंसा देगा है ना, दीपिका करेगी बच्चे और एकदम कड़क, तो ऐसे पता है कि ऐसा है, तो उसके हिसाब से हम कंटेंट भी बनाते हैं ना ऐसे वाले पर। अच्छा मैं बता दूं, वैसे ये सवाल ही भूल गई है। नहीं नहीं नहीं, पर तुम लोग न्यूज़पेपर ऐसे छापते हो क्योंकि 80% जो लोग हैं टॉयलेट में इसको पढ़ते हैं। टॉयलेट एक ब्रेकिंग न्यूज़ फिल्म का नाम है। इतनी सोचते हैं हम तुम्हारे बारे में, रात में इतनी पार्टियां करते हो, इतना खाते हो, हजम का होता है तुम्हारा पूछने के लिए? सुबह जाते हो पॉटी करने के लिए, न्यूज़पेपर तो पढ़ते होगे ना, बस हमारा न्यूज़पेपर वही काम आ जाता है। मेरे को जेन्युइन बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे आगे लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, मगर मतलब आपके टॉयलेट के टारगेट ऑडियंस के लिए आप बनाते हो नहीं बनाते, मगर वो पूरा यकीन है कि आपके आइडियाज वहीं पर आते हैं। yes. नहीं नहीं, बड़ा अच्छा है, न्यूज़पेपर जो है ना अल्टरनेट मेडिसिन का काम करते हैं निकुल सर। हाँ, जो न्यूज़पेपर में न्यूज आती है वो अल्टरनेट मेडिसिन होती है। कैसे? जैसे 9 तारीख को हमने खबर पढ़ी कि कल नोट बंद हो गए, पूरे परिवार की कब्ज खुल गई हमारे। बड़ी अच्छी बात है, खबरें पढ़ के आदमी फ्रेश रहता है, हल्का रहता है। थैंक यू वेरी मच हमें एनलाइटन करने के लिए, आपके न्यूज़पेपर का और हमारे शो का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। थैंक यू वेरी मच किरण हमारे साथ होने के लिए, और इतने सीधी इतनी सीधी साफ बात करने के लिए, एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट, बट थैंक यू वेरी मच किरण। किरण के लिए जोरदार तालियां प्लीज। एंटरटेनमेंट की रात की शुरुआत। क्या अच्छा, मुझे करण तो कुछ बोलने वाला था, उसने बोल किरण बोला।
नहीं मैं ना गो किरण यार ओके गो किरण गो किरण अबे रहने दे यार प्लीज गो किरण आई थिंक गेट द हग गो किरण गो किरण जस्ट गो होम किरण गो गेट लॉस्ट थैंक यू वेरी मच किरण फ्रॉम दैनिक भास्कर थैंक यू आदित्य थैंक यू मलिष्का थैंक यू बलराज थैंक यू रघु एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए